हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास डस्ट ऑफ स्नो, जो यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएट्री का पहला चैप्टर है। दोस्तों, यह पोयम आप लोगों को याद है कि यह बहुत छोटी सी पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा कंपोस्ट की गई है, और इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए हैं जिससे कि समाज में रहने वाले लोगों को एक नया संदेश मिल सके। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़े हैं तो आप लोगों को ये पूरी तरह से याद है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जिस समय एक मार्ग से होकर के जा रहे थे, तो उस मार्ग पर एक हेमलॉक ट्री था, एक धतूरे का पेड़ था और उस पर एक क्रो बैठा था। तो धतूरे का पेड़ और जो क्रो है वह समाज में अशुभ का प्रतीक माना जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का जो मनोदशा थी वह बहुत निराश थे, बहुत उदास थे। तो जैसे ही उस रास्ते से गुजर करके जाते हैं तो क्या होता है कि उसी हेमलॉक ट्री के नीचे कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और उस ट्री पर एक क्रो आता है, और वह क्रो इस प्रकार से डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के कण को इस प्रकार से हिला करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर गिराता है कि इनका जो निराशा भरी दिन व्यतीत हो रहा था, जो ये निराश थे, जो इनका मूड नहीं ठीक था उस समय, इनकी मनोदशा काफ़ी ख़राब थी, तो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और इनके दिन का काफ़ी भाग जो है क्या होता है कि बच जाता है, और वहाँ से ये अपने काम के लिए जहाँ जाना होता है वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तो इसी पोयम पर आधारित जो इसी पोयम के जो स्टेंजा दिए गए हैं, स्टेंजा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसके आंसर पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोगों का पहला जो स्टेंजा दिया है वह पहला स्टेंजा है कि द वे ए क्रो सुक डाउन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो द वे मीन्स होता है तरीका या ढंग, जिस ढंग से एक कौवा सुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराना। तो जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर नीचे गिराया आन मी मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है कण, ऑफ स्नो, स्नो मीन्स होता है बर्फ, बर्फ के कण को फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मीन्स से हेमलॉक ट्री अर्थात धतूरे के पेड़ से। यानी इसका अर्थ हम लोगों ने पढ़ा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जब उस पेड़ के नीचे थे तो वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कौवा जो था उस पेड़ पर से, हेमलॉक ट्री पर से हमारे ऊपर बर्फ के कण को हिला करके गिराता है। तो पहले स्टेंजा में वो उनके ऊपर गिराता है कहाँ से, हेमलॉक ट्री से। तो इस पर कुछ आधारित आप लोगों के क्वेश्चन है जिसके आंसर की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके दिया है नंबर 4 तक, तो ये पहले 4 आप लोगों के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जो है आंसर से शुरू होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आप लोगों का एक सीरियल से आंसर है। तो पहले ऊपर का जो 4 है ये आप लोगों के प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को हम देखेंगे, फिर नीचे उसकी चर्चा होगी। तो आप लोग यहाँ से अब देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है नेम द पोयम एंड पोएट। अब इसमें कह रहा है कि नेम द पोयम, कविता का नाम, एंड पोएट और कवि का नाम। तो जैसे ही आप लोग स्टेंजा को पढ़ें, स्टेंजा में आप लोगों को हेमलॉक ट्री, क्रो ऐसे वर्ड दिखाई दें, तो आप लोगों को तुरंत ये याद कर लेना है कि ये स्टेंजा जो है डस्ट ऑफ स्नो नामक पोयम से लिया गया है और इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का दिया है, देखिए यहाँ पर है आप लोगों का पहला क्वेश्चन। तो इसमें बता रहे हैं कि दीज लाइन यह लाइन हैव बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पोयम से यह लाइन ली गई है, और कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और यह कंपोज की गई है, कंपोज्ड मीन्स होता है रचना, बनाना, और यह जो पोयम है, यह जो लाइन है, यह बनाई गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो पोयम का नाम है वो डस्ट ऑफ स्नो है और इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चर्चा करेंगे इस स्टेंजा के दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ है कि वेयर वाज द क्रो, वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स था, द क्रो, क्रो मीन्स होता है कौवा,
कौवा कहाँ था इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का दिया है, तो यहाँ पर इसका सेकंड का आंसर है। देखिए यहाँ पर दिया है द क्रो वाज ऑन द हेमलॉक ट्री। द क्रो कौवा, वाज मीन्स था, ऑन मीन्स पर, द हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ पर। जो कौवा था वह धतूरे के पेड़ पर था, यानी हमसे प्रश्न पूछा कि कौवा कहाँ था, तो कौवा जो है वो धतूरे के पेड़ पर था। अब यहाँ से हम लोग पहले स्टेंजे के तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या बोला है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, व्हाट डिड द क्रो डू। व्हाट मीन्स क्या, डिड द क्रो, क्रो मीन्स कौवा, डू मीन्स किया, कौवा क्या किया जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी उस पेड़ के नीचे खड़े थे, तो कौवा क्या किया। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर है, द क्रो सुक डाउन द ट्री। अब जो क्रो था, जो कौवा था, वो क्या किया कि सुक, सुक मीन्स होता है हिलाना, तो कौवा जो था वो हिलाया द ट्री, पेड़ को, इज सच ए वे, एक ऐसे तरीके से हिलाता है, दैट की डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ का कण था उस पेड़ के पत्तों पर, शाखाओं पर जो बर्फ के कण थे, वह फेल ऑन द पोएट, वो फेल गिरता है ऑन द पोएट कवि के ऊपर। यानी कौवा जो है इस प्रकार से उस पेड़ से पेड़ को हिलाता है कि जो उस पेड़ पर बर्फ का कण था वह जो है पोएट के ऊपर गिरता है। यानी हम लोगों ने ये देखा कि तीसरा क्वेश्चन हमसे किया कि कौवे ने क्या किया, तो कौवे ने उस पेड़ की डाली को हिलाया और जो बर्फ का कण था वो पोएट के ऊपर गिरा। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इस स्टेंजा का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है आप लोगों का, देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें हमसे पूछा है कि व्हाट डज ए हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। व्हाट मीन्स क्या, डज ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे का पेड़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट मीन्स होता है दर्शाना, दिखाना, तो एक या प्रस्तुत करना भी कह सकते हैं, तो एक जो हेमलॉक ट्री है, जो धतूरे का पेड़ है, वो क्या दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखेंगे चौथे का, कि हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसका है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है कि ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे का जो पेड़ है, इज ए पॉइजनस ट्री, यह एक पॉइजनस, पॉइजनस मीन्स होता है जहरीला, ट्री मीन्स पेड़, यानी कि जो हेमलॉक ट्री है वह एक जहरीला पेड़ है, और इट इज नॉट कंसिडर्ड आस्पीशियस, और इट इज नॉट, यह नहीं कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मीन्स होता है माना जाना, तो यह माना नहीं जाता आस्पीशियस, आस्पीशियस मीन्स होता है शुभ, यानी हेमलॉक ट्री जो धतूरे का पेड़ होता है वह जहरीला पेड़ होता है, और यह शुभ नहीं माना जाता, आस्पीशियस नहीं माना जाता, इसको शुभ नहीं मानते हैं। इट रिप्रेजेंट सारो, और यह जो है रिप्रेजेंट्स करता है, दिखाता है, दर्शाता है सारो, सारो मीन्स होता है दुख, और यह दुख को रिप्रेजेंट करता है, दुख को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर ये मान्यता है कि जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है ये दोनों अशुभ के प्रतीक हैं, ये शुभ नहीं माने जाते हैं। तो किस प्रकार से अब आगे क्या होता है इसको देखते हैं। तो चार जो हम लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इस चारों के हम लोग आंसर को देखें, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग एग्ज़ाम तक इसको तैयार करिए, थोड़ी सी कोशिश हमारी है और बेस्ट प्रयास आप लोगों को करना है ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बेस्ट हो सके। अब चलिए मूव करते हैं सेकेंड स्टेंजा पर और देखते हैं कि सेकेंड स्टेंजा क्या है। पहले सेकेंड स्टेंजा को समझेंगे, उसके बाद इसमें क्या प्रश्न है उसे समझेंगे, फिर उसके आंसर को देखेंगे। अब बात यहाँ पर तो हम लोग ये क्लियर हो चुका है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे वो पेड़ जहाँ पर था उसी रास्ते से गुजर रहे थे, और जो उस पर एक क्रो आया, कौवा आया, और इस प्रकार से वो डस्ट ऑफ स्नो गिराया इनके ऊपर। तो अब आगे देखिए कि जब गिराया तो इनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब वहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की जो मनोदशा थी वो ठीक नहीं थी, वो बहुत तनाव में थे। तो देखिए अब आगे इसको स्टेंजा को समझ लेते हैं। हैज़ गिवेन माई हार्ट,
हार्ट मीन्स होता है हृदय, दिल, तो वह मेरे हृदय को देता है ए चेंज, एक परिवर्तन आप मूड, मनोदशा का। यानी जैसे ही बर्फ का कण हमारे ऊपर गिरता है वह मेरे हृदय को परिवर्तित कर देता है, हमारी जो मनोदशा है वो बदल जाती है। एंड और सेव्ड सम पार्ट, और सेव्ड करता है, बचा देता है सम पार्ट, कुछ भाग ऑफ ए डे, हमारे दिन का। और जो हमारे दिन का पूरा दिन हमारा खराब होने वाला था, तो जैसे ही हमारा मूड परिवर्तित होता है तो वह हमारे दिन का कुछ भाग बचा देता है। आई हैड रुइड, क्योंकि आई हैड, मैं था वहाँ पर, रुइड, रुइड मीन्स होता है शोक में होना या पश्चाताप में होना, क्योंकि मैं बहुत शोक में था, बहुत पश्चाताप में था। जैसे ही बर्फ का कण हमारे ऊपर गिरा, क्रो के द्वारा गिराया गया, तो हमारी पूरी मनोदशा चेंज हो गई, हमारे दिन का कुछ भाग बच गया, और हम जो शोक में थे, हम जो दुख में थे, वो भी परिवर्तित हो गया, हम बहुत आनंदित हो गए। अब सेकेंड स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी यही बताए हैं। अब देखिए, पहले ही की तरह जो है इसमें भी पहले हम लोगों का 4 क्वेश्चन है, अब 4 क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर 4 आंसर जो दिया गया है उसको कवर करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोला है हु इज आई इन दीज लाइन, इस लाइन में आई कौन है। अब देखिए, आई आप लोगों का यहाँ पर दिया है, यहाँ पर समझिएगा कि आई हैड रुइड, आई हैड रुइड यानी पोएट ही कहे हैं कि मैं क्या था, रुइड था, शोक में था, पश्चाताप में था, तो आई यहाँ पर कौन है। तो अब इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर आप लोगों का पहला आंसर है कि आई इज द पोएट हिमसेल्फ हियर, आई मैं इज है द पोएट कवि, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ पर आई जो मैं शब्द यूज हुआ है वो पोएट स्वयं ही है, यहाँ पर आई दूसरे के लिए यूज नहीं हुआ है बल्कि किसके लिए हुआ है, पोएट के लिए, क्योंकि पोएट ही कहें कि आई हैड रुइड, मैं पश्चाताप में था, मैं शोक में था, मेरा दिन पूरा खराब होने वाला था, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो हमारे ऊपर गिरा तो हमारे दिन का कुछ भाग बच गया। अब आइए देख लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए सेकेंड आप लोगों का यहाँ से है, इसमें है कि व्हाट चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट, व्हाट मीन्स क्या, चेंज्ड कर दिया, चेंज मीन्स होता है परिवर्तित कर देना, द मूड मनोदशा ऑफ द पोएट कवि के, यानी पोएट के, पोएट की जो मनोदशा थी उसे क्या चीज़ थी जो परिवर्तित कर दी, यानी उनकी कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पोएट की मनोदशा को परिवर्तित कर दी। तो अब आइए देख लेते हैं इसका सेकेंड का आंसर क्या है, यहाँ पर है आप लोगों का द पोएट्स मूड। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि द पोएट्स मूड, जो पोएट का मूड था, जो मनोदशा थी वो चेंज्ड हो गई, परिवर्तित हो गई, व्हेन जब द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का कण, जैसे ही बर्फ का कण फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, धतूरे के पेड़ से फेल डाउन, नीचे गिरा ऑन द पोएट कवि पर, यानी कवि के ऊपर, यानी कि जो पोएट थे उनकी मनोदशा परिवर्तित हो गई, और कब परिवर्तित हो गई, जब उस धतूरे के पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो था वह पोएट के ऊपर गिरा, तभी उनकी मनोदशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, यानी वो जो शोक में थे, दुख में थे, वह पूरी तरह से क्या हो गए, हैप्पी हो गए। अब आइए यहाँ से देख लेते हैं कि हम लोगों का आगे क्या बोला है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, व्हाट डिड द पोएट डिसाइड, व्हाट क्या डिड द पोएट, जो कवि थे वो डिसाइड किए, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, तो जो पोएट थे वो क्या निर्णय किए थे। तो आइए अब देख लेते हैं कि ये जो पोएट थे वो क्या निर्णय किए थे, आप लोगों का ये थर्ड है, थर्ड आंसर हो जाएगा कि वो क्या निर्णय किए थे। तो देखिए यहाँ से है, द पोएट डिसाइडेड, जो कवि थे वो डिसाइडेड, निर्णय किए टू सेव, बचाने के लिए, रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट माने शेष ऑफ द डे, जो दिन का भाग था, जो पोएट थे वो दिन के कुछ भाग को बचाने के लिए डिसाइड किए, निर्णय लिए, सो दैट, ताकि देयर इज नो हार्म आर सारो फॉर हिम, ताकि अब वो ये डिसाइड करते हैं
देखिए यहाँ पर इसका अर्थ है कि द पोएट डिसाइडेड, जो पोएट थे वो डिसाइडेड, निर्णय लिए टू से बचाने के लिए, रेस्ट ऑफ द डे, दिन का शेष बचा हुआ भाग, सो दैट देयर इज नो हार्म, क्योंकि वहाँ पर नो हार्म, देयर इज नो हार्म, हार्म मीन्स होता है नुकसान, वहाँ पर कोई नुकसान नहीं था, आर सारो कोई दुख भी नहीं था फॉर हिम उनके लिए, क्योंकि जैसे ही बर्फ का कण उनके ऊपर गिरा तो उन्हें ये महसूस हो गया कि अब हमें जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और ना ही तो हमें किसी प्रकार का सारो है, ना ही तो हमें किसी प्रकार का दुख है, तो हम बैठ करके यहाँ अपने दिन को क्यों बर्बाद करें। वह अपने दिन के बचे हुए भाग को बचाने का निर्णय लिए और वहाँ से वो क्या किए कि अपने काम के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि अब पोएट का चेंज जो मूड था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था, चेंज हो गया था, अब उन्हें किसी प्रकार का दुख या किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं था, इसलिए वहाँ से पोएट जाने का निर्णय लिए थे। तो अब आइए देख लेते हैं इस स्टेंजा के चौथे और आखिरी क्वेश्चन पर, देखिए इसमें क्या बोला है। अब आप लोगों का देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट। अब देखिए व्हाट वाज क्या था, पहले प्रश्न को समझिए फिर उत्तर इसका समझेंगे। व्हाट वाज क्या था द मूड, मूड मीन्स मनोदशा, ऑफ द पोएट कवि की, जो कवि की मनोदशा थी या कवि का जो मनोदशा था, मूड था, वह क्या था, बिफोर पहले एंड और आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद, यानी कि बिफोर मीन्स पहले एंड आफ्टर मीन्स बाद, द इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, यानी जब ये घटना घटी, यानी कि वो पेड़ के नीचे गए और उस पेड़ से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया गया, तो यह जो घटना घटी इसके पहले, वहाँ जाने से पहले और वहाँ पर एक घटना घटने के बाद कवि की क्या मनोदशा थी, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो देखिए अब आप लोगों का यहाँ से आंसर फोर है, और देखिए फोर यहाँ पर आप लोगों का एकदम नीचे ही दिया गया है, तो देख लेते हैं। द पोएट वाज इन डिप्रेसिव मूड, अब जो पोएट थे, जो कवि थे, वो वाज मीन्स थे इन डिप्रेसिव मूड, बहुत डिप्रेसिव, डिप्रेसिव मीन्स होता है तनावपूर्ण, मूड मीन्स मनोदशा में, जो पोएट थे वो बहुत तनावपूर्ण मनोदशा में थे। बिफोर द इंसिडेंट, बिफोर मीन्स पहले, द इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, यानी इस घटना के पहले जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो बहुत तनावपूर्ण स्थिति में थे, इनका जो मूड था, जो मनोदशा था, ये बहुत निराश थे, एकदम डिप्रेसिव थे। एंड और आफ्टर द इंसिडेंट, और घटना के बाद, जब घटना ये घटी कि डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर क्रो के द्वारा गिराया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि द पोएट्स वाज इन एंजॉयएबल मूड, जो पोएट थे, जो कवि थे, वाज मींस थे इन एंजॉयएबल, एंजॉयएबल का मतलब होता है आनंदित, मूड मींस मनोदशा, और घटना घटने के बाद जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वह बहुत ही आनंदित मूड में हो गए, यानी वो बहुत हैप्पी हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये फोर क्वेश्चन आंसर जो है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। और जो बच्चे इस पोयम को नहीं पढ़े हैं अभी तक, ये जो पहली पोयम है, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं और यहाँ से पूरा विस्तार में उन्हें नहीं समझ में आया है पूरी पोयम, तो हमारे वीडियो, हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो हम लोगों का पहला डस्ट ऑफ स्नो ए पोयम है, यह चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, और इस वीडियो में उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग लिंक पे जा कर के पहले उस पोयम को पूरी तरह से पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद ये जो स्टेंजा बेस क्वेश्चन आंसर है इसको पढ़ें, पूरी तरह से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर अब किसी अन्य क्लास को लेकर के, किसी अन्य चैप्टर को लेकर के मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।